मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी को नमस्ते। मनोज जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं मनोज जी, क्या प्रश्न है आपका? सर बहुत अच्छे हैं सर, आपका वीडियो काफी टाइम से देख रहे हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। कैसे लग रहे हैं मरीन 9 के प्रोग्राम आपको? अच्छे लग रहे हैं सर। चलिए ऐसे ही अच्छे लगते रहें सर, प्रयास हमारा यही है और पोर्टफोलियो भी अच्छा बना रहे। क्या प्रश्न है आपका? सर बजाज हाउसिंग के लिए। बजाज हाउसिंग किस रेट पर ले लिया सर आपने? सर 169। 169 ठीक ठाक नुकसान में है अभी भी आप? आज ही आज में 6.5% टूट गया शेयर तो। कितने समय तक होल्ड करने के लिए सोचा है? साल दो साल। साल दो साल के लिए आपने जो है सोचा हुआ है। थोड़ा सा खबरों पे नज़र रखा कीजिए। अब जैसे कि आज की जो बड़ी गिरावट है उसके पीछे कारण ये है कि बजाज हाउसिंग का जो लॉक इन पीरियड था वो आज ही आज में जो है वो कंप्लीट हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। तो जो भी लोगों के लिए ये बंधन था कि वो 1 महीने तक बने रहें, वो लोग यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो फिर आपको जो है वो 6% के आसपास की गिरावट जो आज देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है। अब इतनी गैप जो है रिकवरी जो है वो कब आएगी पता नहीं। सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस 169 पे लिया, 141 का भाव? देखिए एग्जिट करना चाहिए, साफ साफ है 110 और 120 के भाव आ सकते हैं, तो आप अगर 2 साल का भी वेट करते हैं तो मुझे लगता है कुछ दिन बाद कर लीजिएगा। अभी एक बार सौदा काट लीजिए, वापस 120 110 के आसपास आता है फिर ले लीजिएगा, शायद 20-30 रुपए बच जाएंगे। और अभी के हिसाब से स्टॉक अच्छा नहीं है, थोड़ा एग्जिट करना पड़ेगा। नुकसान जरूर आ रहा है लेकिन नुकसान बड़ा ना हो, 500 शेयर लिए हैं और बढ़ सकता है, तो एक बार एग्जिट होने की राय। एक बार के लिए एग्जिट होने की राय है और